हेलोस हेलोस, बहुत लेट हो गया। 11:20 PM। आई नो, मैं सुपर लेट हूँ, सुपर लेट हूँ। मैंने एक्चुअली आज कुछ भी डालना ही नहीं था। मेरा आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है। कल से मेरे को थोड़ा थोड़ा स्टमक एक है एंड थोड़ा 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 नमिंग नमिंग जैसा है। तो मेरे को ना फिर बिल्कुल भी मन नहीं था। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं किया है। बस एक मेरे को लिंक किसी के साथ शेयर करनी थी। वहाँ से अप्रूवल होने के बाद ही वो मैं अपने चैनल पे शेयर कर सकती हूँ, इसलिए मैंने आज वो काम किया। लेकिन वो 2 दिन से ही मैं कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, बट वही रुक रुक के हो रहा है। तो बहुत छोटा सा वीडियो, बट 2 दिन लिए मैंने उसमें, क्योंकि सीरियसली तबीयत ठीक नहीं। इसलिए मैं आज कुछ भी मदर्स डे सेलिब्रेशन नहीं कर पाई, ना ही मैं अपनी मम्मी के साथ कुछ कर पाई, ना ही मैं वीडियो के द्वारा आपके साथ कुछ कर पाई। बट सबसे पहले आपको मैं विश कर लूँ कि हैप्पी 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 मदर्स डे आप सबको, जो भी माँ है उनको, जो माँ नहीं है उनको, जो माँ होने वाली है उनको भी। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है हर एक लड़की में कहीं ना कहीं अंदर माँ होती है, क्योंकि वो केयर वाली फीलिंग है ना हर लड़की में होती है किसी ना किसी रिलेशन के लिए अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ मम्मियाँ केयर वाली होती है। जब मैं मम्मी नहीं थी तब भी मैं अपने हस्बैंड के लिए एक माँ के जैसे ट्रीटमेंट करती थी, उनकी केयर करती हूँ, खाने पीने का ख्याल रखती हूँ, वो सारी चीज़ें। तो यू नो, आई थिंक सारी लड़कियों ने मदर्स डे सेलिब्रेट करना चाहिए, ना कि सिर्फ ऑफिशियली जो मम्मी है जिन्होंने किसी को पैदा किया है। लाइक आई थिंक मदर्स डे इज़ फॉर एवरी फीमेल आउट देयर, बिकॉज एवरी फीमेल हैज़ समवेयर इन हर हार्ट अ फीलिंग वॉट मदर हैज़। वो केयर हमेशा होता ही होता है। सो आई होप आप सब ने सेलिब्रेट किया होगा बहुत अच्छे से घर में बैठे बैठे, क्योंकि इस सिचुएशंस में हम कहीं जा भी नहीं सकते और बड़ा सेलिब्रेशन कर भी नहीं सकते। मेरी मम्मी शाम को वैसे आई थी, सुबह से मैंने इंसिस्ट किया था, बट आई शाम को। शाम को आने के बाद फिर मैंने पूरा खाना बनाया था मम्मी के लिए। आज मैंने स्वीट में हलवा भी बनाया था एंड मम्मी ने मेरे लिए केक लाया है, तो वो हम अभी काटने वाले हैं। अखिल के लिए रुके थे, अखिल जस्ट आ चुका है, तो अभी हम केक काटने वाले हैं। एंड दिस वॉज ऑल आई डिड द एंटायर डे। लाइक ये वाले कपड़े मैंने सुबह से पहने हैं एंड इन्हीं कपड़ों में हूँ, अभी भी इन्हीं कपड़ों में हूँ। चेहरे पे भी मैंने कुछ किया नहीं है, बाल बस अभी बांध लिए हैं क्योंकि आपके सामने प्रेजेंट होना था एंड हल्का सा फिल्टर लगा दिया है बस, और कुछ भी नहीं। जैसे शाम को मैं वैसे मैं थोड़ी सी मतलब इंटरेस्ट में आई हूँ, वरना मैं पूरी डाउन थी, कुछ भी करने का मन था नहीं मेरा। बस मैंने सुबह एक काम ज़रूर किया, अपना स्टेटस अपडेट किया था व्हाट्सएप का, जिसमें मैंने सारी पुरानी मेमोरीज हमारी चेरिश की। मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ हमारे ढूंढे थे, मेरे मम्मी साथ वाले एंड मेरी सास के साथ वाले, तो वो सारे फ़ोटोज़ मैंने अपलोड कर दिए थे अपने स्टेटस में एंड दोनों को मैंने विश कर दिया था, क्योंकि वही दोनों मेरी लाइफ में मेरी माएँ हैं। एंड बस पुरानी मेमोरीज़ मैंने उनके साथ फ़ोटोज़ के द्वारा चेरिश की एंड घर में बैठे बैठे बस इस साल वाला मदर्स डे ऐसे ही हुआ। अगले साल वाला मदर्स डे हम ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग सा करेंगे, कुछ कुछ ऐसा धमाकेदार ज़रूर करेंगे, आई प्रॉमिस यू। बट इस साल कुछ भी नहीं, बट आई एम सो सॉरी। मैंने जैसे बताया मैं कुछ भी नहीं करने वाली थी आज, बट सोचा कि यार दिन ख़त्म हो रहा है एंड आई थिंक मदर्स डे विश करना बनता है, क्योंकि ये कोई मामूली दिन है नहीं, ये अपने आप में बहुत बड़ा दिन है। वैसे तो हम हर दिन ही सेलिब्रेशन कर सकते हैं अपनी मम्मियों के साथ, ऐसा तो कोई एक खास दिन की ज़रूरत नहीं होती, बट फिर भी आज का दिन है तो यू नो ये कोई कम वाला दिन है नहीं, ये भी एक बड़े सेलिब्रेशन वाला दिन है। बट तबीयत के चलते थोड़ी सी मैच डाउन थी, मेरा मूड नहीं था। ऐसा होता है ना हमारे साथ कभी कभी कि हमारा मूड होता नहीं है कुछ भी करने का, वैसा वाला दिन था मेरा। बट येस, नेवर द लेस हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू आउट देयर। आई होप आपने अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा अपनी मम्मियों के साथ, नहीं किया तो एक फ़ोन तो लगाइए, कम से कम बात करिए, चेरिश करिए सारी मेमोरीज। एंड या वैसे तो हम कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं हमारी माँ के लिए, बस आज एक फ़ोन ही कर लो, विश ही कर लो। सो आई थिंक दैट वाज प्रीटी मच। हम मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ एंड सी यू टिल देन, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, हैप्पी मदर्स डे वंस अगेन टू ऑल द गर्ल्स आउट देयर।